नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10 बजे UGC नेट पेपर वन का तैयारी करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जानेंगे नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ट्रिपोलैरिटी, ट्रिपोलैरिटी मतलब त्रिध्रुवीता। ठीक है, टीचिंग इज द ओनली चैनल ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। द एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स एडवोकेट दैट इम्पार्टिंग एजुकेशन इज बायोपोलर इन नेचर्स एज एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बाय द टीचर एंड एक्वायर बाय लर्नर। मतलब कि दो लोगों का बीच में ये संबंध बताता था, कौन से, एक तो टीचर के और एक लर्नर के। बट द मॉडर्न सिनेरियो, मतलब अब जो ये पुरानी एंशियंट टाइम में ये ध्रुवीयता थी, किसके किसके बीच में, टीचर और लर्नर के बीच में। लेकिन जो मॉडर्न सिनेरियो है इसमें एजुकेशन एस्टेब्लिशेस इट्स ट्रिपोलैरिटी, मतलब तीन ध्रुवीयता, मतलब तीन लोगों के बीच का संबंध दिखाता है। कौन कौन सा, अमेरिकन पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी, मतलब इनके अनुसार जॉन डेवी एडवोकेट द एजुकेशन इज ट्रिपोलर प्रोसेस। दीज आर थ्री पोल्स, आर टीचर्स, लर्नर्स एंड सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, डेवी असर्ट दैट इन मॉडर्न टाइम्स व्हेन द सोसाइटी इज मेकिंग प्रोसेस एजुकेशन इज इफेक्टली कंडक्ट कंडक्टिव। देखिए यहाँ कंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टिव इन मेकिंग इट्स विटल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी ओवरऑल डेवलपमेंट। अ सोसाइटी बाई एंड लार्ज डिटरमिन्स द पर्पस एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन फॉर इट्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अ टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट सर्वाइव्स इन द सोसाइटी। वॉट अ टीचर इज टीचिंग एंड वॉट अ स्टूडेंट इज लर्निंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द सोशल एथिक्स एटमोसफियर। जैसे कि ये बोलना, ये बता रहे हैं कि मतलब इस टाइम पे जो सिनेरियो है कि बच्चे, जैसे कि कोई चीज़, जैसे अब्दुल कलाम सर को सब लोग जानते हैं, और उनके जैसा क्या, अगर जो वो उनको कोई जानेगा तो लोग उनके जैसा बनना भी चाहेंगे। तो यानी कि जो हमारा समाज है, जो सोशल इन्वायरमेंट है, उसमें अच्छी चीज़ें देखेंगे तो बच्चे वैसा बनना भी चाहेंगे। ठीक है, एंड डिमांड इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी बिकम सब्जेक्ट्स मैटर्स विच आर देन डेवलप्ड इन टू स्लेबी एंड आर टॉट टू द क्लासेस। ठीक है, देख लेते हैं इसकी हिंदी में, देख लेते हैं। त्रिध्रुवीयता, ठीक है, शिक्षण शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र माध्यम है। ठीक है, शिक्षण शिक्षा, देखिए ये आपका, ये इसमें पूछ सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शिक्षण शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र माध्यम है, यानी शिक्षक पूछ दिया जाए कि शिक्षण क्या प्रदान करने का एक माध्यम, शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र माध्यम क्या है, तो क्या है, शिक्षण। ठीक है, प्राचीन और मध्ययुगीन काल इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षा प्रदान करना प्रकृति में द्विध्रुवीयता है, क्योंकि शिक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है और शिक्षार्थी द्वारा अर्जित की जाती है। मतलब शिक्षा जो होती है, वो शिक्षा जो है वो शिक्षक द्वारा, मतलब टीचर के द्वारा शिक्षा दी जाती है, और जो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट जो होता है उसके द्वारा वो क्या किया, ग्रहण किया जाता है, मतलब कि उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन शिक्षा का आधुनिक परिदृश्य इसकी त्रिध्रुवीयता स्थापित करता है। आधुनिक शिक्षा सिद्धांत के अमेरिकी अग्रणी जॉन डेवी ने वकालत की कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीयता प्रक्रिया है। ये तीन ध्रुव शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण है। डेवी का दावा है कि आधुनिक समय में जब समाज प्रगति कर रहा है, शिक्षा समाज के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में प्रभावी रूप से सहायक है। एक समाज कुल मिलाकर अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए
शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। शिक्षक के साथ साथ एक छात्र समाज में जीवित रहता है, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक शिक्षक के साथ साथ एक छात्र भी समाज में जीवित रहता है, मतलब दोनों लोग रहते हैं। और जो छात्र पे इम्पैक्ट जो पड़ता है वो किसका, समाज का पड़ता है। उस समाज में अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेगा तो वो उसको क्या अनुसरण करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक क्या पढ़ रहा है और एक शिक्षार्थी क्या सीख रहा है, यह सामाजिक नैतिकता, वातावरण और मांग से प्रभावित होता है। मतलब शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, छात्र क्या सीख रहा है, यह सामाजिक नैतिकता, वातावरण और मांग से प्रभावित होता है। मतलब कि अगर जो छात्र जो सोच रहा है कि उसके मन में जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जा रहा है कि नहीं, जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो छात्र अच्छे से सीख रहा है कि नहीं, जो उसके सोसाइटी में जो चल रहा है उससे वो अवगत है कि नहीं, ये सब चीज़ों को क्या एक टीचर उसको समझाता है। तो ये क्या त्रिध्रुवीयता हो गई, क्यों? क्योंकि एक तो टीचर सिखा रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है, और वो चीज़ें क्या सोशल से क्या हो रही है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जो सोशल चीज़ों को देखता है उसको क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। यानी तीनों चीज़ में क्या है, एक दूसरे के पूरक है। प्रगतिशील समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना विषय बन गया है, ठीक है, जिसके बाद पाठ्यक्रम में विकसित किया जाता है और कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, दूसरा है इंटर एक्टिविटी, ठीक है। इंट्रा एक्टिविटी, एकेडमिकली देयर आर टू मोड्स ऑफ टीचिंग, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल टीचिंग इज इम्पॉर्टेड इन द क्लासरूम, ठीक है, एंड नॉन फॉर्मल टीचिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू नॉन फॉर्मल मीन्स लाइक करस्पोंडेंस, इंटरनेट, etc। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो अंतःक्रियाशील शिक्षा जो होती है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक फॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। यानी कि जो फॉर्मल टीचिंग हो जो होती है, शिक्षा जो होती है वो कहाँ पे मिलती है, वो एकेडमी मिलती है, स्कूल मिलती है, कॉलेज में मिलती है। लेकिन अगर जो नॉन फॉर्मल है तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, घर में मिल जाएगा, सोशल में मिल जाएगा। तो यही इसके कहने का मतलब है, ठीक है। फॉर्मल और क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिमांड्स अ हेल्दी इंट्रैक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट टू अचीव इफेक्टिव टीचिंग, लर्निंग एंड फीडबैक, ठीक है। कॉर्डियल इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल, ठीक है। आइए देखते हैं इसके अंदर में अंतःक्रियाशीलता। अकादमी रूप से शिक्षण के दो तरीके होते हैं, अर्थात औपचारिक और गैर औपचारिक। औपचारिक मतलब जो स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, सिखाया जाता है, उसमें औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। और गैर औपचारिक मतलब कि नेट पे, होम पे, ठीक है, सोशल, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो सिखाया जाता है वो गैर औपचारिक होता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षण कक्षाओं में दिया जाता है और अनौपचारिक शिक्षण गैर औपचारिक माध्यमों जैसे पत्राचार, इंटरनेट आदि के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ठीक है। औपचारिक या कक्षा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया प्रभावी शिक्षण सीखने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र के बीच एक स्वस्थ बातचीत, स्वस्थ बातचीत का मतलब कि एक इंट्रैक्शन बना रहता है, ठीक है। शिक्षक और छात्रों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत शिक्षण और सीखने के लिए एक मजबूत उत्तेजक के रूप में काम करती है। यानी कहना चाहता है कि अगर जो बच्चे को बहुत अच्छे से समझना है या फिर उसको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, करना है, तो उसे क्या अपने टीचर से एकदम क्या घुल मिल के रहना, मतलब घुल मिल के रहना का मतलब कि ये नहीं कि दोस्ती टाइप, ऐसा कुछ नहीं। मतलब घुल मिल के रहने का मतलब कि वो अपने क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो आराम से पूछ पाए और टीचर भी ऐसा उसको ट्रीट कर एज अ फ्रेंड। मतलब कि फ्रेंड का मतलब कि रियल फ्रेंड नहीं, ताकि ऐसा फ्रेंडशिप वाला एटमॉस्फियर तैयार कर दे ताकि बच्चे को पूछने में भी कोई संकोच ना हो, हेजिटेशन ना हो, ठीक है।
तभी वो क्या बहुत अच्छे से अपने विचारों को वो आदान प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षक और छात्रों को प्रेरित किया जाता है। मतलब कि शिक्षण अधिगम लर्निंग प्रोसेस को सफल बनाने के लिए इसमें देखिए दोनों लोग को, टीचर को भी मोटिवेटेड होना है और स्टूडेंट को भी मोटिवेट, क्योंकि स्टूडेंट को मोटिवेट रहेगा तो जब टीचर पढ़ाएगा तो वो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, और टीचर मोटिवेटेड रहेगा तो वो चाहेगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ा लूँ कि ताकि मेरा पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो अच्छे से ग्रैप कर सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड है प्लांट प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग इज द प्रैक्टिस्ड विद प्रॉपर प्लानिंग। अ टीचर प्रिपेयर्स हिज हर लेक्चर इन एडवांस विच ही शी इज डिलीवर टू द क्लास द नेक्स्ट डे। द टीचर नॉट ओनली प्लान्स हिज हर लेक्चर, मतलब इसमें कहना चाहता है कि जब टीचर को अच्छे से क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस तैयारी करनी चाहिए किसके लिए, जब वो मान लीजिए नेक्स्ट डे कोई लेक्चर है क्लासरूम में तो उस लेक्चर को कि उसको क्या पढ़ाना है उसके बारे में उसको और डीपली में और जानकारी होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से वो क्या कर सके, वो उनको डिमोस्ट्रेट कर पाए, अच्छे से समझा पाए बच्चों को उसकी हर एक चीज के बारे में वो अवगत करा पाए। ठीक है, इन एडवांस बट ऑल्सो प्रिपेयर्स द रिप्लाई टू एक्सपेक्टेड क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और वो इतने अच्छे से तैयार करे ताकि वो जितने भी एक्सपेक्टेड है जैसे कि बच्चे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं और उनकी क्वेरीज क्या क्या हो सकती है वो बहुत ही अच्छे से वो तैयार कर ले, ताकि वो जब वो पढ़ाएं बच्चे पूछे तो वो उसमें थोड़ा सा भी हेजिटेट ना हो, ना ही उनको लगे कि हाँ मतलब ये कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा पूछ दिया या फिर कुछ, एकदम स्मूथली क्या करना चाहिए पढ़ाना चाहिए ताकि एकदम फ्लो बना रहे। ठीक है, वही देख लीजिए हिंदी में है, शिक्षण का अभ्यास उचित योजना के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक अपना व्याख्यान पहले से तैयार करता है, उसे अगले दिन कक्षा में जो देना होता है। ठीक है, शिक्षक न केवल अपने व्याख्यान को पहले से योजना बनाता है बल्कि छात्रों से अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर को भी तैयार करता है। ठीक है, फोर्थ है मल्टीपल फेजेस। टीचिंग हैज थ्री फेजेस, प्रैक्टिस, इंटर एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें प्री एक्टिव जो है क्या है। प्री एक्टिव फेज, इन द प्री एक्टिव फेज द टीचर प्लान्स हिज लेक्चर स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एंड ऑल दोज एक्टिविटीज विच अ टीचर परफॉर्म्स बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम। मतलब प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, जो टीचर होता है वो अपने लेक्चर को क्लासरूम से जाने से पहले ही लेक्चर को तैयारी करता है, उसकी स्ट्रेटजी जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है वो अच्छे से तैयार करता है, एंड ऑल एक्टिविटीज जो वो क्लासरूम में करने परफॉर्म करने वाला होता है तो वो सब चीज़ को वो क्या करता है प्री प्लान करता है, मतलब पहले से वो तैयार करता है क्लासरूम से जाने से पहले, इसको क्या बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। ठीक है, सेकेंड है इंटर एक्टिव फेज, द एक्टिविटीज अ टीचर परफॉर्म्स इन द क्लासरूम इज इंटर एक्टिव फेज। इन दिस फेज अ टीचर इंटरेक्ट फेस टू फेस विद द स्टूडेंट, हियर द टीचर डिलीवर्स हिज हर लेक्चर एक्सप्लेनिंग ऑल द aspects of topic being discussed in the class in his her style by creating a amicable atmosphere in the classroom and concluding the lecture the teacher also answered all देखिए यहाँ पे all होगा all the queries of the students to clear their doubts and inculcate कॉन्फिडेंस इन देम। ठीक है, यानी कि इसमें इंटर एक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है जब टीचर जो होता है वो कहाँ पे इस जो क्लास में परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं इंटर एक्टिव फेज बोलते हैं। इसमें क्या जो टीचर होता है वो अपने टीचिंग से वो उनके बच्चों के सारे डाउट्स और क्लियर करेगा और ताकि वो उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। ठीक है, और अपने वो लेक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, बताएगा उसके प्रोज कॉन्स जितने भी है, उसके बीच में नॉलेज उसके हर एक चीज़ पहलू के बारे में वो बताता है और बच्चों के जितने भी क्वेरीज होते हैं उनको वो सॉल्व करता है ताकि उनमें उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ थर्ड है हमारा पोस्ट एक्टिव
फेज। इन दिस फेज द टीचर इवेल्युएट्स द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑन द टॉपिक आइदर थ्रू ओरल और रिटन टेस्ट। ठीक है, इन दिस वे द टीचर ऑल्सो गेट्स फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स इफ दे परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, इट मीन्स दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड द टॉपिक चैप्टर अदरवाइज नॉट। ठीक है, पोस्ट एक्टिवेट मतलब एक्टिव फेज मतलब क्या होता है कि सब चीज़ पढ़ा उढ़ा दिया गया है, जितना भी था वो सब पढ़ा दिया गया है। अब जो क्या टीचर जो होता है वो क्या इवेल्यूएट करता है, मतलब उनका आकलन करता है किसका, स्टूडेंट्स के नॉलेज का, कि उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। और ये जो टेस्टिंग टेस्ट होती है वो किसमें, ओरल भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या फिर रिटन में भी हो सकता है। ठीक है, इन दिस वे इससे पता चलता है द टीचर ऑल्सो गेट्स, मतलब वो और उसको पता चलता है कि वो फीडबैक जो उसने पढ़ा है उसके बारे में फीडबैक, कि बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं इस चीज़ टेस्ट में, और उनका जो माइंडसेट है वो क्या है इस टॉपिक के बारे में, उनको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए वही सेम चीज़ है। शिक्षण के तीन चरण होते हैं, एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। पूर्व सक्रिय चरण, पूर्व सक्रिय चरण में शिक्षक अपने व्याख्यान, शिक्षण की रणनीति और उन सभी गतिविधियों का योजना बनाता है जो शिक्षा कक्षा में जाने से पहले करता है। ठीक है, इंटरएक्टिव चरण, शिक्षक कक्षा में जो गतिविधियां करता है वो इंटरएक्टिव चरण है। देखिए अब देख आपको खुद से लगेगा ये इंटर कर दिया है। ठीक है, ये इंटर का क्लास में क्या कर दिया है, ये इंटर इसने कर दिया है, और ये प्री प्री मतलब अभी ये गया नहीं है, ये क्लास में बाहर है, और इसका मतलब क्लास में अंदर चला गया है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, प्री का मतलब क्लास से पहले का काम है और इंटर मतलब क्लास में के अंदर का काम है। ठीक है, और पोस्ट का मतलब हो गया, पोस्ट मतलब जो बीत गया है, मतलब क्लास खत्म, तैयारी भी कर ली, पढ़ा भी दिया और क्लास अब खत्म हो गया, ओवर हो गया, अब टेस्ट की बारी है। ठीक है, तो इस चरण में शिक्षक छात्रों के साथ आमने सामने बातचीत करता है। यहाँ शिक्षक कक्षा में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर और व्याख्यान का समापन करके अपनी शैली में कक्षा में चर्चा किए जा रहे विषय के सभी पहलुओं को समझाते हुए अपना व्याख्यान देता है। शिक्षक छात्रों को की शंकाओं को दूर करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनके सभी प्रश्नों का उत्तर भी देता है। ठीक है, पोस्ट एक्टिव चरण, इस चरण में शिक्षक मौखिक या लिखित परीक्षा के माध्यम से विषय पर छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। इस तरह शिक्षक और छात्र शिक्षक को छात्रों की फीडबैक भी मिलता है। यदि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका अर्थ है कि उन्हें विषय अध्याय को स्पष्ट रूप में समझ लिया है, अन्यथा नहीं। यानी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। चलिए पांचवा है क्वालिटी। टीचिंग सस्टेन्स अ क्वालिटी दैट एम्स टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर थ्रू इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ नोन फैक्ट्स टू द लर्नर। टीचिंग नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इट्स ऑल्सो डेवलप्स द डिजायरेबल बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ट्रेल्स इन द लर्नर एंड रिफाइनिंग देयर रीजनिंग पावर। ठीक, नेक्स्ट है छठा, मोटिवेटिंग स्टिमुलेंट। टीचिंग एक्ट्स अ मोटिवेटिंग स्टिमुलेंट टू लर्नर्स, लर्नर्स आर मोटिवेटेड टू लर्न दैट सब्जेक्ट इन विच टीचिंग इज ऑफर्ड। Effective teaching requires motivated teachers as well as learner. मतलब कि इसमें क्या है, जो टीचर हो और स्टूडेंट दोनों क्या मोटिवेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों लोग मतलब पूरे जोश के साथ, टीचर अपने पूरे जोश के साथ पढ़ाए और स्टूडेंट अपने पूरे जोश के साथ पढ़े। ठीक है, सेवेंथ है गाइडेंस। Teaching is the guidance also. Teaching guides the learners about the role of studies or course they are doing in shaping their careers. ठीक है, teaching also guides the student on behavioral and personality traits. मतलब कि guidance का मतलब है teaching क्या guides
आल्सो टीचर गाइड भी करता है किस लर्नर को क्या करने के लिए, अपने करियर के लेकर की अपना जो करियर है उसको लेकर गाइड करता है कि हम करियर में अच्छी से अच्छी पोजीशन को धारण करें, सक्सेसफुल हों लाइफ में, और जो उनका कोर्स है वो बहुत ही अच्छे से उनको क्या करें, तैयार करें, उनको बहुत ही अच्छे से पढ़े ताकि फ्यूचर में जाके उन चीज़ों को वो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में गुणवत्ता, वही जो था क्वालिटी। शिक्षण एक गुणवत्ता को बनाए रखता है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को अज्ञात तथ्यों का ज्ञान प्रदान करके शिक्षार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षण न केवल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है, यह शिक्षार्थियों में वांछनीय व्यवहार और व्यक्तित्व लक्षण को विकसित करता है और उनकी तर्क शक्ति को परिष्कृत करता है। ठीक है, छठा है प्रेरक उत्तेजक। शिक्षण शिक्षार्थियों के लिए एक प्रेरक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। प्रेरक उत्तेजक का मतलब कि मोटिवेशन। ठीक, शिक्षार्थी को उस विषय को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें शिक्षण की पेशकश की जाती है। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रेरित शिक्षकों के साथ साथ शिक्षार्थियों की भी आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट है मार्गदर्शन गाइडेंस। शिक्षण भी मार्गदर्शन है। शिक्षण शिक्षार्थियों को उनके करियर को आकार देने में किए जा रहे अध्ययन या पाठ्यक्रम की भूमिका के बारे में मार्गदर्शन करता है। शिक्षण छात्रों को व्यवहार और व्यक्तित्व लक्षण पर भी मार्गदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आठवां नंबर है आर्ट एज वेल एज साइंस। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। टीचिंग क्या है, जैसे मतलब एक कला है, एक टीचिंग, एक क्या है आर्ट भी है और साइंस भी है। अ टीचर परफॉर्म्स इन द क्लासरूम इन द वे एन एक्टर परफॉर्म्स ऑन अ स्टेज। मतलब अ टीचर परफॉर्म इन द क्लास इन द वे एन एक्टर, मतलब जो टीचर जो होता है वो क्लास में एज जैसे नायक जो होता है मूवी में हीरो जैसे वो परफॉर्म करते हैं, वैसे टीचर जो होता है वो क्लासरूम में परफॉर्म करता है। ठीक है, टीचर डेवलप्स अ टीचिंग स्टाइल। ठीक है, टीचिंग स्टाइल विच इज इंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स। अ टीचर वर्क्स लाइक अ फाइन आर्टिस्ट टू मेक टीचिंग लर्निंग सिंपल। मतलब कहना क्या चाहता है कि जो टीचर होता है वो अपने टीचिंग स्टाइल को ऐसे ऐसे मतलब टीचिंग स्टाइल को ऐसा बनाता है, बनाना चाहिए जिसको फाइन आर्टिस्ट के रूप में, ताकि जो जब वो टीचिंग करे पढ़ाए तो बच्चे उसको बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से उसको क्या चीज़ों का सीख भी लें और उनको उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, और उनको एंजॉय भी एंड एंजॉयबल विच हेल्प्स इन बेटर ग्रैप्सिंग एंड फाइन रिजल्ट। टीचिंग ऑन द अदर हैंड इज अ साइंस ऑल्सो एज वेरियस एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू एसेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स मोर एवर इट वर्क्स। ठीक है, ऑन थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस विच आर सब्जेक्ट टू रिसर्च अ टीचर एक्सपेरिमेंट्स न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन द क्लास टू मेक लेक्चर एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब कहने का मतलब है कि टीचर को ऐसे क्लासरूम में ऐसे पढ़ाना चाहिए कि जो उसमें वो जो उसका जो टीचिंग स्टाइल हो उसे बच्चे आसानी से समझ पाए और एकदम इजी वे में, जैसे कि इस टाइम पे और जो देखा जाए खान सर हैं हमारे, ठीक है खान सर हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग क्या है, एकदम नॉर्मल है। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को एकदम हल्के भाषा में एकदम सामान्य भाषा में सिखा देते हैं जिसको सब मतलब बहुत लोग नहीं सिखा पाते हैं, वो उन चीज़ वो आराम से सिखा देते हैं। तो उनकी क्या है उनकी जो शैली है उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो एकदम ही सिंपल है, जो कि मतलब एक अच्छे से बहुत तेज बच्चा है उसके लिए भी सीखने में आसानी होगी और जो कमजोर है उसके लिए भी। तो जो उनका टीचिंग ऑफ स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है। तो ऐसे ही टीचिंग और स्टाइल जो है वो इतना सिंपल और लाइट बनाना चाहिए ताकि बच्चे को
हर चीज समझ में आए, ये नहीं कि जो तेज है बस उसी को समझ में आए, हर चीज बच्चों, हर एक लेवल के बच्चों को समझ में आए। तो ऐसे अपने टीचिंग स्टाइल को ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक इन नेचर। इन टीचिंग समटाइम्स अ टीचर मेक्स अ प्री असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्सेस ऑन द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। देयर विलिंगनेस टू अटेंड द लेक्चर एक्सटेंड टू ऑफ देयर फैमिलियरिटी विद द टॉपिक ETC। द प्रैक्टिस इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक नेचर ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग इज ऑल्सो थेरापेटिक इन नेचर। वेन द लेक्चर इज डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग वे विच रिजल्ट इन रिमूविंग फोबिया अमॉन्ग द स्टूडेंट अबाउट द कंसर्न टॉपिक। मतलब कि डायग्नोस्ट और थेरापेटिक का मतलब होता है कि चीज़ों को ढूंढना और उसको क्या, उसका निदान करना। यानी कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो बहुत, जब आप टीचिंग पढ़ा रहे हैं तो प्री असेसमेंट स्टूडेंट को देते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे, तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को मैथ नहीं आता है तो उसको मैथ्स के नंबर समझ में नहीं आते, मैथ्स उसको सॉल्व नहीं करने आता। तो उसमें आप देखिए कि उसको कहाँ पे कमी है, किस चीज़ पे, उस डायग्नोस करिए। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें ये दिक्कत है, तो उस चीज़ को, उस पर कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड कराइए कि हाँ तुम कर सकते हो, बस पढ़ाई करो, इस पर थोड़ा सा फोकस्ड रखो। ये मतलब उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि वो चीज़ को कर रहा है कि नहीं, वो उससे डर तो नहीं रहा है। अगर वो डर रहा है तो देखिए उसका डर कहाँ पे है और उस डर को आप खत्म करिए, ठीक है। वही सेम चीज़ हिंदी में है ये 8वां नंबर। कला के साथ साथ क्या है, विज्ञान भी है। एक शिक्षक कक्षा में उस तरह का प्रदर्शन करता है जैसे एक अभिनेता एक मंच पर। एक शिक्षक एक शिक्षण शैली विकसित करता है जिसका छात्र आनंद लेते हैं। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम को सरल और मनोरंजक बनाने के लिए एक अच्छे कलाकार की तरह काम करता है जो बेहतर समझे और अच्छे परिणामों में मदद करता है। दूसरी ओर शिक्षण एक विज्ञान भी है क्योंकि छात्रों के समझ के स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा यह उन सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का काम करता है जो शोध के अधीन है। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के नए तरीकों का प्रयोग करता है ताकि व्याख्यान को अधिकतम सीमा तक छात्रों के लिए सुलभ बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नौ है नैदानिक और चिकित्सकीय प्रकृति। शिक्षण में कभी कभी एक शिक्षक चर्चा के लिए जाने वाले विषय पर छात्रों के परिसरों का पूर्व मूल्यांकन करता है। व्याख्यान में भाग लेने की उनकी इच्छा, विषय साथ उनकी परिचितता की सीमा आदि। इस अभ्यास को कहा जाता है शिक्षण की नैदानिक प्रकृति। शिक्षण भी प्रकृति में चिकित्सकीय की है। जब व्याख्यान एक दिलचस्प और अवशोषित तरीके से किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप संबंधित विषय के बारे में छात्र से भय को दूर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।